इससे पहले हम संस्कृत व्याकरण क्लास 9 में संधि प्रकरण पढ़ रहे थे, और आज हम संस्कृत व्याकरण क्लास 9 में समास पढ़ेंगे। सबसे पहले समास की व्युत्पत्ति, मतलब इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, ये शब्द कैसे बना। समुपसर्ग अस धातु, समुपसर्ग अस धातु, गहे प्रत्यय, गहे का ए बसता है, तो सम प्लस अस प्लस गहे, इन गहे का ए बसता है और इनको मिलाएंगे सम प्लस अस प्लस ए, तो समास शब्द बना। कौन सा शब्द बना? समास शब्द बना। और इसका अर्थ संक्षिप्तीकरण, और संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है संक्षेप करना या अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। कहने का मीन्स ये है कि संक्षेप में लिखना दो या दो से अधिक पदों का एक पद हो जाना, मतलब एक शब्द हो जाना। दो शब्द होते हैं तो उनका एक शब्द बन जाता है तो उसे समास कहते हैं। जैसे सीता, एग्जाम्पल जैसे सीता या पति, सीता या पति एक पद हो गया, मतलब एक शब्द हो गया, और पति दूसरा पद हो गया, मतलब दूसरा शब्द हो गया। और समास में दो ही शब्द होते हैं, और इसका मीन्स होता है सीता का पति। तो हम इसको, ये तो था इसका विग्रह, मतलब विस्तार हो, और इसका संक्षेप में सीतापति भी लिख सकते हैं। सीतापति का मतलब भी यही होगा, ठीक है। सीता का पति लिख देंगे तो भी राम आएगा, और सीतापति कहेंगे तो भी राम आएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अपन इसकी परिभाषा। परिभाषा संस्कृत में सम सनम समास है, सम सनम समास है, अथवा अर्थ है, मतलब इसका मीन्स अनेक पद मिलकर एक पद हो जाते हैं। अनेक पद मिलकर के, मतलब अनेक शब्द मिलकर के एक शब्द हो जाता है तो वह समास कहा जाता है। अनेक पद मिलकर के जो एक पद बन जाता है वह क्या कहलाता है? समास कहलाता है। संस्कृत में समास 6 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला जो समास है वो है अव्यय विभाव समास है। पहला जो समास है वो है अव्यय भाव समास है, अव्यय भाव समास। दूसरा जो समास है वो है तत्पुरुष समास है, और तीसरा जो समास है वो है क्रमधारय समास है। चौथा जो है वो है द्विगु समास है, चौथा द्विगु समास है। पांचवा जो है वो है बहुव्रीहि समास है, पांचवा कौन सा? बहुव्रीहि समास है। और छठा जो समास है वो है द्वंद्व समास है। तो कितने प्रकार की हुई? 6 प्रकार की। दोबारा से देख लीजिए, पहला है अव्यय भाव समास है, दूसरा है तत्पुरुष समास है, तीसरा है क्रमधारय समास है, चौथा है द्विगु समास है, पांचवा है बहुव्रीहि समास है, और छठा है द्वंद्व समास है। तो आपको बताए थे 6 समास, दोबारा से देख लीजिए। अव्यभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, और द्वंद्व समास। अब पहला जो समास है वो है अव्यभाव समास। पहला जो है वो अव्यभाव समास।
इस समास का प्रथम शब्द, इस समास का प्रथम शब्द मतलब पहला शब्द अव्यय, और द्वितीय मतलब दूसरा संज्ञा शब्द होता है। मतलब पहला तो क्या होता है, अव्यय होता है, और लेकिन दूसरा कोई भी नाम होता है, नाम वाला शब्द होता है। पहला अव्यय ध्यान रखें, और दूसरा क्या होता है, संज्ञा शब्द, कोई भी नाम होता है। दूसरा इसका नियम है, पहला तो ये था नियम, दूसरा है अव्यय शब्द के अर्थ की अर्थार्थ पूर्व पदार्थ, मतलब पहले पहला जो शब्द है उसके अर्थ की प्रधानता होती है, मतलब मुख्यता होती है। पहला जो शब्द है उसका अर्थ इसमें मुख्य होता है। जैसे जैसे अव्यय शब्द और अव्यय का अर्थ, जैसे उप है वो अव्यय शब्द है, और अव्यय का अर्थ है समीप अर्थ, मतलब समीप अर्थ में, पास अर्थ में या समीप अर्थ में। जैसे ये एग्जाम्पल है उप कृष्णम, एग्जाम्पल है उप कृष्णम। उप कृष्ण आप पता है, पहचान कर लेंगे आपके पहले अव्यय है उप, अव्यय है कृष्णम है। अब इसका विक्रय करेंगे तो कृष्णस्य समीपम, मतलब कृष्णस्य षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, क्योंकि खरगचिन्ह आपने पढ़ा है और से आता ही के हो जाता है, और कृष्णस्य समीपम होता है कृष्ण के पास में, किसके पास में, कृष्ण के पास में। दूसरा जो अपना एग्जाम्पल है वो है निर, निर का मतलब होता है अभाव अर्थ में, किस अर्थ में, अभाव अर्थ में। जैसे निर्जनम, 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 निर्जनम। और इस अविभाव समास में पहले जो अगला शब्द होता है वो पहले लिखते हैं, तो निर्जनम, जन्म जो है वो बाद में आए, तो पहले लिखेंगे जना नाम, मतलब रामा नाम। षष्ठी विभक्ति में जना नाम अभाव है, लोगों का अभाव, किसका, लोगों का अभाव, क्योंकि आपको पता है निर अभाव या रहित अर्थ में होता है, तो इसका मतलब है लोगों का अभाव। इसके बाद में आता है प्रति, ये अव्यय है, और प्रतिदिनम में पहले आ गया है प्रति, और इसका विग्रह करेंगे मतलब इसका विस्तार करेंगे तो दिनम, दिनम प्रति, प्रति लास्ट में जाएगा, दिनम दिनम पहले आ जाएगा, और ये इसका क्या है, समास विग्रह है, ये इसका समास विग्रह है, ये शब्द है। जैसे अनु, ये योग्यता अर्थ में आता है, और इससे अनु क्या है, अव्यय है, अनुरूपम, तो रूपस्य योग्यम, मतलब योग्यता के अनुरूप, योग्यता के अनुरूप। पांचवा है जैसे यथा, अनतिक्रम्य अर्थ में, मतलब के अनुसार अर्थ में। जैसे यथा शक्ति, शक्ति अनतिक्रम्य, इसका मतलब होता है शक्ति के अनुसार, किसके अनुसार, शक्ति के अनुसार, अनतिक्रम्य का मतलब होता है अनुसार। और शक्ति आपको पहले बताया था कि जो शब्द बाद में होता है उसको पहले लिया जाता है, शक्ति अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार, क्या है, शक्ति के अनुसार। और इसका एक एग्जाम्पल है अधि, ये सप्तमी विभक्ति में आता है, सप्तमी विभक्ति अर्थ में। जैसे अधिहरि एग्जाम्पल है, तो अधिहरि, अधि जो है ये सप्तमी विभक्ति में आएगा, तो यहाँ पर हरि का सप्तमी विभक्ति में रूप जो होता है, जैसे वो होता है हरव, क्या होगा, हरो। और क्योंकि हरे हरे दो बार लिख नहीं सकते, हरो आते ही आप, इसका मतलब होता है दो हैं, ये कितने हैं, दो। और समास विग्रह क्या होते हैं, एक शब्द से ये इनका विग्रह करते हैं, तो ये विग्रह में क्या हो जाते हैं, इनका बड़ा रूप हो जाता है। और अगर इसका विग्रह करेंगे तो हरो ही आएगा, क्योंकि हरो का मतलब दो, और इति का मतलब ऐसा। ये था आपका अव्ययीभाव समास।